नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। 18 जून को हर साल विश्व पिकनिक दिवस मनाया जाता है। पिकनिक का नाम सुनते ही बच्चों और बड़ों के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। पिकनिक जाने के लिए अक्सर सभी तैयार रहते हैं। लोग अक्सर पिकनिक मनाने नेचर के बीच जाना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन एक सवाल जरूर उठता है कि पिकनिक शब्द आया कहां से। कहा जाता है कि पिकनिक शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति के बीच बैठकर भोजन या नाश्ता किया जाए। ऐसा भी कहा जाता है कि फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद ही ये ट्रेंड काफी पॉपुलर हुआ है और अब पूरी दुनिया ने इसे अपना लिया गया है। वहीं प्रभारी उत्तम यादव ने बताया है कि इंदौर के प्राणी संग्रहालय में 5 सालों से लगातार काम किए जा रहे हैं, जिससे निश्चित ही जनता ने काम का स्वागत किया है। साथ ही फूटफॉल लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं पिछले 5 सालों में फूटफॉल की बात करें तो पिछले 12 लाख के आसपास हुआ करता था, लेकिन अभी प्राणी संग्रहालय का फूटफॉल 20 से 22 लाख तक पहुंच चुका है। इंदौर के प्राणी संग्रहालय में फूटफॉल कम नहीं हुआ है। प्राणी संग्रहालय का प्रयास रहता है कि नए नए प्राणी संग्रहालय में आते रहें, साथ ही नई नई एक्टिविटीज भी दर्शकों को रिझाने का काम करती हैं, जिसके चलते प्रदेश के अन्य प्राणी संग्रहालय की तुलना में इंदौर के प्राणी संग्रहालय में दर्शकों की संख्या कम नहीं होती। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय के जूर प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने बताया है कि हालांकि पिछले 2 वर्षों से इंदौर के प्राणी संग्रहालय में कोरोना का ग्रहण लगने से पिकनिक के लिए दर्शक नहीं आ पा रहे हैं, जिसके चलते लोगों में मायूसी जरूर छाई हुई है, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में जल्द ही इंदौर के प्राणी संग्रहालय को दर्शकों के लिए खोला जाएगा और एक बार फिर संग्रहालय में दर्शकों की रौनक छाएगी। देखिए, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए जू पहले से ही करीब करीब 1.5-2 महीने से बंद है और इसलिए कारण विजिटर्स का आना भी बंद है, उसी को ध्यान में रखते हुए। और अभी चूंकि पब्लिक का आना बंद है, सोशल गैदरिंग नहीं करना है, सोशल डिस्टेंसिंग को भी रखना है, वो भी हमारा एक सब जो सिचुएशन करंटली चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए, तो अभी जो भी डेज आ रहे हैं उसमें एक सिंबॉलिक जरूर हम लोग थोड़ा एनिमल्स को स्पेशल डाइट वगैरह हम लोग जरूर सप्लाई कर देते हैं। अदरवाइज उसके अलावा कोई ऐसी सोशल या कोई अवेयरनेस एक्टिविटीज़ या पब्लिक को इन्वॉल्व होने वाली या सोशल या गैदरिंग होने वाली पब्लिक को इकट्ठा करके कोई कार्यक्रम करने जैसी स्थिति चूँकि अभी नहीं बन रही है, इस कारण एक सिंबॉलिक ही है हमारा जो वर्ल्ड पिकनिक डे, वो सिंबॉलिक ही रह गया है। जब भी ओपन होगा निश्चित रूप से फिर जो भी डेज आएंगे उसको हम लोग उसी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए जो भी प्रोटोकॉल सेट रहेगा उसको ध्यान में रखते हुए फिर हम लोग स्कूल बच्चों को भी बुलाएंगे और जो भी संस्थाएं रहेगी उनको भी बुलाएंगे और उसके हिसाब से फिर हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। फिलहाल जो स्थितियाँ है उसको ध्यान में रखते हुए ये अभी इस तरह की एक्टिविटीज़ करना प्रोहिबिटेड है। पिछले साल मनाया था सर? नहीं, देखिए पिछले साल भी स्थितियाँ ऑलमोस्ट वैसे ही थी और गैदरिंग को उस समय भी प्रोटोकॉल के तहत गैदरिंग को अवॉइड करना था, सोशल गैदरिंग या जो भी पब्लिक जो मास गैदरिंग होती थी उसको ध्यान में रखते हुए उस समय भी नहीं कर पाए और इस साल भी जो स्थिति है आप देख ही रहे कि इस साल भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। में जो कि सारे फ्लॉप हो गए हैं मगर चिड़ियाघर में आज भी मतलब उसको गतवे है, तो किस स्थिति में देखते हैं सर? आज 5 सालों की बात करें तो 5 सालों में कितनी यहाँ पर दर्शकों की संख्या बढ़ी है पिकनिक के हिसाब से? देखिए, जो भी काम चिड़ियाघर में हुए हैं उसको निश्चित रूप से हमारी जनता ने, हमारे विजिटर्स ने उसको अप्रिशिएट किया है और इसी कारण जो फुटफॉल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और पिछले 5 सालों की अगर बात की जाए तो पिछले 5 सालों जो हमारा फुटफॉल पहले कभी 12 लाख के आसपास था, वहाँ से चल के हम लोग विद इन 5 ईयर हम लोग 20 से 22 लाख के फुटफॉल पर आ चुके हैं और लगातार फुटफॉल, कभी ऐसी इस पिछले 5 सालों में ऐसी स्थिति नहीं बनी कोविड-19 को छोड़ के कि कभी इसका फुटफॉल डाउन हुआ और लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे भी प्रयास लगातार यही रहते हैं कि नए नए कलेक्शन, नए नए अट्रैक्शन जू में आते रहे, नए नए एनिमल्स का हमारे कलेक्शन प्लान में जुड़ते रहें ताकि लोगों में एक उत्साह नए जानवरों को देखने की, उनके बारे में समझने की और उसके बारे में सीखने की एक ललक बनी रहे। इसी को ध्यान में रखते हम लोग जो एक्टिविटीज़ करते हैं वही चीज़ लोग दर्शकों को बार बार जू आने के लिए मजबूर करती है और इसी कारण हमारा फुटफॉल लगातार बढ़ता है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।